सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मैं अपनी सारी जिंदगी इस कमरे में तन्हा रहने के लिए तैयार हूँ। मैं और नईम अब इस घर में मुस्तकिल शिफ्ट हो चुके हैं। इस घर का सारा कंट्रोल अब मेरे हाथ में होगा। शादी नहीं करोगी तुम? सारी जिंदगी कमा के खिलाओगी उनको? ठीक है, कर दे शादी, झोंक दे जहन्नुम में अपनी हीरे जैसी बेटी को, मुझे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी प्यारी सी गुड़िया, छोटी सी डॉल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नाश्ता कर ली? जी नाना ने करवा दिया। अच्छा भाभी, हमारी गुड़िया माशाल्लाह बड़ी हो रही है, इसे खुद से नाश्ता करने की आदत डाली। भाई साहब, ये चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो छोटी सी डॉल ही रहेगी ना। मैं हमेशा इसे अपने सीने से लगा कर रखूंगी। रजिया, मुझे लगता है इसकी स्कूल की वैन आ गई। चलो शाबाश बेटा, जाओ। शाबाश, अल्लाह हाफिज। भाभी, ये तो अच्छा हुआ कि आप मेरे कहने पे रुक गई, वरना इस मासूम बच्ची का क्या होता। मुलाजिम लाख देखभाल करें लेकिन वो मुलाजिम ही होते हैं, और अपने तो अपने होते हैं। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसी बातें करके शर्मिंदा मत कीजिए। शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए, आपने इस घर में हमें जगह दी, वरना हम मैं बेटा कहाँ जाते, हमारे पास तो कोई आसरा भी नहीं था। आपने इतनी मोहब्बत से हमें अपने साथ रखा, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। देखिए भाभी, ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। जैन मेरा भतीजा है, मेरे मरहूम भाई की निशानी, इसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं मैं वो जरूर करूंगा। वाकई भाई साहब, आप बहुत अजीम इंसान हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका। बस एक बात का ख्याल रखिएगा भाभी, मरियम को कभी नरमीन की कमी महसूस ना होने दीजिए। ठीक कह रहे हैं भाई साहब, वैसे मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी तमाम मुलाजमों पे मैं नजर रखती हूँ। अब देखिए ना, हमाद को और मरियम को मैं मुलाजमों के सहारे तो नहीं छोड़ सकती ना, मुझे उनकी देखभाल तो करनी ही करनी है। वैसे मैंने इसका एक हल भी सोचा है, इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहूँ। इंशाल्लाह खैर, खैरियत तो है ना भाई साहब? जी सब ठीक है। मैंने फैसला किया है कि मैं हमाद बेटे की दूसरी शादी कर दूं। क्या, हमाद की दूसरी शादी? क्या बात है, लिफ्ट ही नहीं करवा रही? जब से 5 करोड़ मिले हैं तुम तो भूल ही गई हो अपने बेस्ट फ्रेंड को। ये बात नहीं, और तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? तुम मेरे सबसे बड़े सपोर्टर भी तो हो। एक्चुअली मैं यूरोप टूर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही थी इंटरनेट से। ओह रियली? लेकिन अभी 2 माह पहले तो तुम दुबई घूम कर आई हो। आई नो, लेकिन इस बार एक्चुअली मैं चाह रही थी कि यूरोप टूर करें। Why don't you just come with me? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? बहुत मजा आएगा। Of course, why not? But मेरी financial position इतनी अच्छी नहीं है।
ओके सो तुम उसके लिए वारिड नाउ, आई विल बेयर द एक्सपेंसेस, तुम बस साथ चलो. ओके. मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा था. आखिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें अमाद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. मैं इसलिए उसकी दूसरी शादी करना चाहता. आप क्या कहती? अच्छी बात है भाई साहब, आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए इस सिचुएशन में हमाद से कौन शादी करेगा. और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमाद ने नरमीन को भुलाया है, वो आज भी उससे मोहब्बत करता है. बीवी की जगह तो वो किसी और को नहीं देगा. आप फिक्र न कीजिए भाभी, हमाद के लिए अच्छी लड़की मिल जाएगी, वो राजी भी हो जाएगी शादी के लिए. मैं उसे मना लूं. खुदा हाफिज. लड़की देख लूंगा. वही हुआ ना जिसका डर था मुझे. अब जो नरमीन ने किया है ऐसे ही होना चाहिए भाई साहब. खुदाया. सर ये तो आपने बड़ा अच्छा फैसला किया. मैं तो खुद सर आपको ये मशवरा देना चाहता था. आपका क्या ख्याल है कि अमाद की दूसरी शादी के बाद उसकी मायूसी खत्म हो जाए? Why not सर? एक मर्द जो बात अपनी बीवी के साथ कर सकता है वो किसी और के साथ नहीं कर सकता. वैसे भी सर ऐसी हालत में उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत तो होती है. आप कोशिश करें सर उनको राजी करने की. इसी बात का तो दुख है कि नरमीन के जाने के बाद उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. न किसी से बात करता है, न मिलता है, न खाना इकट्ठे खाता है, न बाहर निकलता है, यहाँ तक कि मरियम को भी नहीं देखता. आजम साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी खुशियाँ देखे बगैर ही मैं दुनिया से चला जाऊँ. सर अल्लाह पे भरोसा करें, वो उम्मीद का दामन हाथ से न जाने दे. वैसे सर कोई लड़की है नज़र में आपके? जान पहचान वालों में भी नहीं है और ना ही रिश्तेदारों में. ऐसी कोई लड़की नहीं आजम साहब जो मेरे अपाहिज बेटे के साथ शादी कर ले और जिंदगी गुजार. वैसे सर अपने सर्कल में आप क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरा मतलब है किसी गरीब घराने में तलाश करें. गरीब घर की बच्चियों में बर्दाश्त और सब्र होता है और वो मुश्किल काम आसानी से कर लेती. इस वक्त आपकी पोती को भी शफकत और तवज्जो की ज़रूरत है. ऐसी कोई लड़की तलाश करें जो ये सारे काम आसानी से कर सके. और सर मजबूर लोग ये काम कर ही लेते हैं. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आजम साहब, मैं क्या करूं? कहां से ढूंढ कर लाऊं ऐसी लड़की? आइए मिस. सर नया ऑर्डर की रिपोर्ट तैयार हो गई है, आप देख लीजिए. ठीक रख दीजिए. सर एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी जी जरूर बताइए. सर हम आप बेटे के लिए एहसास. क्या आप भी एहसास के बारे में ही सोच रहे हैं? तो क्या सर आप भी एहसास? हाँ मैं ये सोच रहा हूं कि जो लड़की अपने घर वालों का इतना ख्याल रखती है, हर जिम्मेदारी को खूबी से निभाती है, तो यकीनन अपने शौहर और ससुराल वालों का भी बहुत ख्याल रखेगी. जी मुझे बिल्कुल याद है सर, उसने अपनी बहन की शादी के लिए दफ्तर से कर्जा लिया था और सर उसको उतारने के लिए दिन रात मेहनत की थी. और सर मुझे तो ये भी पता चला है कि वो उसकी सौतेली बहन है. सौतेली बहन के साथ मोहब्बत की ये मिसाल मैंने आज तक नहीं देखी. और वैसे भी हमाद को एहसास जैसी मोहब्बत करने वाली
पुरखलूस लड़की की जमानत है। तो सर फिर देर किस बात की है, आज ही उनकी फैमिली से बात कर लीजिए। ठीक कह रहे हैं आप, एक दो दिन में मैं जाऊंगा उसके घर। अब ऐसा कीजिए, एहसास के घर का पता लगाइए, कहाँ रहती है। श्योर सर, श्योर। आपका क्या ख्याल है कि एहसास और उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाए? क्यों नहीं मानेंगे, आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना उनके लिए तो बाय से फखर की बात है, वो इनकार नहीं करेंगे सर। और सर यकीनन एहसास के आने से आपके घर के तमाम मसाइल हल हो जाए। ठीक है, कम वक्त मारी, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। निकली होगी सैर सपाटों पे, पूरे 5 करोड़ का चट हाथ लगा, अयाशियां चल रही होंगी। अयाशियां कोई ऐसी वैसी, अवारा गर्द दोस्तों को पैसे खिला रही होगी। हमासे अच्छे खासे पैसे बटोरे हैं उसने, अकाउंट भर लिया था पैसों से, सारे लुटा देगी, खाली करके बैठ जाएगी एक दिन। वैसे अम्मी आपको क्या लगता है, आप भी वापस भी आएंगे? पागल हो गए हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब ने उसकी सौकन लाने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं, तुम उसकी वापसी की बातें कर रहे हो? डोंट वरी मॉम, उन्हें कहाँ सौकन मिलेगी। बड़ा किस लड़की का दिमाग खराब होगा जो अपाई से शादी करने के लिए यहाँ करेगी। क्या तो तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन बेटा इन लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता, जहाँ दौलत देखी वहाँ लबालब मुंह में पानी आ जाता है इनके। सही कह रही हो, सही कह रही हो। अकेले अकेले सेब खा रहे हो, ये नहीं हो माँ को भी खिला दूं। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आसम साहब, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है, आई आई तशरीफ रखिए। सर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की है एहसास और उनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, तो वो सर आपसे शेयर करनी थी। जी जी जरूर बताइए। सर एहसास एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है सर। वो तो मैं भी जानता हूँ। और सर वो एक पसमांदा इलाके में रहायश पजीर है, मैंने उनके पड़ोसी से पूछगछ की थी, एहसास की वालदा का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था, तो सर उनके वालिद ने जीनत नामी एक बेवा और उसे दूसरी शादी की थी जिसकी एक बेटी भी थी सर, वही जिसके जहेज के लिए एहसास ने दफ्तर से लोन लिया था। उसकी सर सौतेली माँ का ताल्लुक एहसास के साथ कुछ इतना अच्छा नहीं, यू नो सर वही सौतेली माँ वाला रवैया। एक बात और सर पता चली है जिसे सुनकर आपको झटका लगेगा, एहसास की बचपन में उसके कजन के साथ बात तय हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि हमें एहसास के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है सर आप एहसास के घर वालों से एक दफा बात करके देखें, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसकी मंगनी हुई है वो मौशी तौर पे बहुत कमजोर है और एक मामूली सी जॉब करता है। तो सर हमारे बेटे का प्रपोजल उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है, वो आपको इनकार नहीं कर पाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं, जिस लड़की की मंगनी हो चुकी है उस लड़की के वालदैन कम से कम अमाद के लिए कैसे राजी हो जाए। सर एक काम करें, आप उनकी फैमिली को एतमाद में लेकर तफसील से सारी बात बताएं, हो सकता है अच्छा खानदान देखकर वो राजी हो जाए। वैसे भी सर एहसास की मंगनी ही तो हुई है। इसमें हमाद का क्या कसूर है जो उसे सजा मिल रही है? जब नरमीन अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही है तो मेरे बेटे का भी हक है खुशियों पर। मैं अपने बेटे की रूठी हुई खुशियां जरूर हासिल करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा, कोई ख्वाब तो नहीं देखा तुमने? ये क्यों है मेरे साथ, 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 ये क्यों है मेरे साथ। डैड हौसला रखो बेटा, उठो उठो, खुद को संभालो बेटा, ये लो पानी। क्या मैं सारी जिंदगी से यूं ही रोते तड़पते हुए देखता रहूंगा? पता नहीं कब मेरा बेटा जिंदगी की तरफ वापस आए। कल नफ्सियात का डॉक्टर आएगा तुमसे मिलने, इनकार मत करना, उससे मिल लेना बेटा। क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूं? मैं जरूर मिलूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि मेरे पागलपन का इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं, मुझे मेरे हाल छोड़ दे। मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे कैसे छोड़ सकता हूं बेटा? कौन कहता है कि तू पागल? ये तो माजी की तलख यादें हैं जिन्होंने तुझे परेशान कर रखा है, तू डिप्रेशन का शिकार। और जानता जानते कि तू कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, अपना, मरियम का, मेरा। अरे बेटा, तू मेरी इकलौती औलाद है, बाप का कर्म तू नहीं समझ सकता। और ऐसे में तूने उस मासूम बच्ची को भी तनहा छोड़ दी। अरे मां तो जालिम थी, छोड़कर चली गई उसे, बाप भी छोड़ देगा उस बच्ची को। अरे उस मासूम का क्या कसूर? ना करी यार, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर बेटा। तू मेरा इकलौता बेटा, आगे तेरी भी इकलौती बेटी, उसे तेरी तवज्जो की जरूरत है और मुझे तेरी खुशी। मैं मरियम का चेहरा देखता हूं तो मेरा खून खोल उठता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। देखिए, हक महर में प्लॉट, घर, पैसा, जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। तुम्हें अब मुलाजमों के हाथ की चाय नहीं पीनी पड़ेगी। खैर से इस घर में नई दुल्हन आ रही है। मैंने भी मुराद शाह के बेटे के साथ तुम्हारी शादी ना करवाई ना तो जीनत नाम नहीं है मेरा बच्चू।